चल रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये 3-3 नंबर की क्वेश्चन है, ये सवाल आएगा आपके चैप्टर नंबर 8 से, ऊंचाई और दूरी। तो 3 नंबर के सवाल है, 18 क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहले तो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अभी आया था 2018 में, पिछले साल आया था वो। सवाल क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार दे रखी है, जब भी मीनार दे तो बिल्कुल सीधी बनानी है आपको, मीनार आ जाए, भवन आ जाए, खंबा आ जाए, बिल्कुल सीधा। ये एक मीनार है, मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार और आधार से दो बिंदु इधर स्थित है, ये मीनार के आधार से दो बिंदु, जो ये मीनार का आधार है, एक बिंदु यहाँ ले लिया मैंने और एक बिंदु यहाँ ले लिया, दो बिंदु हैं। अब देखो दोनों बिंदु, एक बिंदु तो 9 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु 25 मीटर की दूरी पर है, तो जो पास वाला बिंदु है वो तो है 9 मीटर की दूरी पर, यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी है 9 मीटर है, और जो दूसरा बिंदु है वो यहां से लगाकर यहां तक कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। आगे लिखा है सवाल में, दो स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है, ये उन्नयन कोण बनता है, इस बिंदु से भी मीनार के शिखर को देखा जाता है, तो यहां पर भी उन्नयन कोण ये बन रहा है, ठीक है। ये यहां से देखने पर उन्नयन कोण यहां बनता है और यहां से देखने पर उन्नयन कोण यहां बनता है, दोनों उन्नयन कोण है, और इन ये जो दोनों कोण है वो कौन से हैं, पूरक, पूरक, ये दोनों जो कोण है वो पूरक कोण है, मतलब कोण नहीं दे रखा केवल, क्या क्या है, पूरक कोण। पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों को जोड़ने पर कितना है, 90 डिग्री आए, मतलब इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले माना कि ये थीटा है, ये क्या मान लिया मैंने, थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ के देखो दोनों का जोड़ 90 आएगा, 90 माइनस थीटा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, थीटा, थीटा कट गया, क्या गया, ठीक है। आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है ये कितनी ऊंची है, ये वाली मीनार, तो नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी, बिल्कुल सिंपल है। आपको ध्यान रखना है लाल बटा कक्का, एल ए एल बटे के ए, यहाँ तो क्या आता है शुरू में, साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक, ज्यादातर जो आएगा ना आपके वो क्या आएगा, लंबटा आधार, मतलब टेन थीटा आएगा ज्यादातर, फिर से इसमें ज्यादातर ये आते हैं। अब देखो हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है, एच, तुम्हारे और मान सकते हो कोई भी नंबर, एच मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये 90 डिग्री कोण है, हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है, एक तो बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए बी डी, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, दोनों त्रिभुज लेने हमें, पहले ले लो छोटा वाला, क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी से, ये वाला ए बी सी, इसमें ये तो करनी है ज्ञात और ये दे रखी है, ठीक है ना, ये कोण है, तो इस कोण के सामने बुझाओ क्या कहते हैं, लंब, और ये क्या कहलाती है, आधार। देखो लंब बटा आधार क्या होता है, हमेशा ये आएगा आपके लंब बटा आधार, तो बताओ लंब बटा आधार किसमें आता है, टेन थीटा में, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसमें कोण का मान तो थीटा ही है, तो थीटा ही रहने दो, टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा बराबर, लंब कितना, एच, आधार कितना, नौ, हो गया। अब देखो यहां पर इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक, हल करने क्योंकि आगे हल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर टेन का मान होता जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ वो हल हो जाता, हल होगा ही नहीं, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक। अब लेंगे दूसरा, ये वाला ए बी डी, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी से, यहां पे भी आपको क्या करना है, देखो ए बी डी में ये तो करनी है ज्ञात ऊंचाई और ये दे रखी है हमें कितनी, 25, ये तो क्या है,
लंब और ये क्या है वो लंब और आधार किसमें आता है यहाँ भी क्या जाएगा टेन अदर थीटा का मान कितना है इसमें 90 माइनस थीटा है ना इसमें तो थीटा ही था तो यहाँ मैंने थीटा लिख दिया अब इसमें 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो उसमें प्रश्नावली 7.2 में सूत्र दे टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा अगर साइन 90 माइनस थीटा होता तो कोस थीटा 7.2 में सूत्र है इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 90 माइनस थीटा की वजह से हो जाएगा कोस थीटा सूत्र होता ही है लिख देना चाहे तो और बराबर बताओ लंब कितना h आधार कितना 25 ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे यहाँ पे हम गुणा क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा तो गुणा करेंगे तो आगे वाला तो आगे से गुणा और पीछे वाला पीछे से गुणा आगे इधर क्या है टेन थीटा इंटू इधर क्या है कोस थीटा बराबर इधर क्या है पीछे एच बटा 9 इधर क्या है एच बटा 25 ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये टेन थीटा और ये क्या है कोट दोनों को काटना है तो ऊंचाई याद करनी है ना तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट एक बटा कोट होता है या कोट का उल्टा क्या होता है एक बटा तो दोनों में से किसी एक को उल्टा कर दो इसको कर दो टेन को क्या हो जाएगा एक बटा कोट इंटू ये भी क्या है कोट या तुम्हें बताओ टेन इंटू कोट का उत्तर कितना आता है एक होता है इसका उत्तर बराबर कितना देखो एच को एच से गुणा किया एच स्क्वायर गुणा करो 9 × 5 = 45 हासिल का 4 × 9 = 18 और 4 = 22 225 ठीक है। देखो कोट से कोट कट गया कितना बचा एक बराबर कितना आ जाएगा एच स्क्वायर बटा 225। अब बटे में एक मान लो क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे क्या तो एच स्क्वायर और ये कितना आ गया 225 यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लग गया अंडर रूट। अब मैंने पहले सिखा रखा है तुम्हें 25 का तो पीछे कितना 5 और 2 के टुकड़े करो क्या होंगे 1 × 2 1 × 2 = 2 वहां से कौन सा नंबर लेंगे छोटा कितना एक बताओ ऊंचाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा है तो मीटर आगे समझे इसका वर्गमूल निकाल लेना जैसे वो टुकड़े करके। तो इस प्रकार का सवाल आया था पिछले साल। अब देखो इस साल ऐसा ही सवाल है अब आपको देखने हो सकता है वापस ये रिपीट हो जाए। देखो सवाल है किसी मीनार के आधार से x और y दूरी पर एक ही रेखा पर दो बिंदु क्रमशः c व d से देखने पर मीनार के शिखर के कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट एक्स वाई है। तो देखो सेम यही क्वेश्चन है बस चेंज कर दिया इसने क्या लिखा है एक मीनार के आधार से ये है मीनार मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर ये मीनार का आधार है और ये सरल रेखा पर दो बिंदु है एक बिंदु यहाँ पर लिया और एक बिंदु यहाँ पर लिया जो पहला बिंदु है उसकी दूरी एक्स है और जो दूसरा बिंदु है उसकी दूरी वाई है ऐसा सवाल में कहा है ठीक है। अब जो ये बिंदु है इन बिंदुओं का नाम इसका नाम तो सी है और इसका नाम डी है ठीक है ना। इस सी और डी से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है ये मीनार का शिखर और यहां से भी इस मीनार के शिखर को देखा जाता है तो जो इनके जो उन्नयन कोण बनते हैं वो कोण कैसे है एक दूसरे के पूरक है पूरक मतलब जिन दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री ठीक है ना। तो वही एक को मान लेंगे थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सवाल में लिखा है सिद्ध करो सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है अंडर रूट एक्स वाई है। आपको सिद्ध करना है ये जो मीनार की हाइट आएगी ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी और ये हो गया डी ये जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी अंडर रूट एक्स वाई लानी है आपको ये सिद्ध करके बताना है। तो वही सवाल था सेम तो इस साल आ सकता है हो सके तो आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या है वही है समकोण त्रिभुज लेना है कितने बन रहे हैं 2 पहले ले लो ये वाला
ए बी सी, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी से, देखो ए बी सी में ये तो क्या है लंब और ये क्या है लंब बटा आधार, क्या कहलाता है टेन कहलाता है, तो क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ देखो थीटा थीटा ही है तो इसकी जगह थीटा रहने दो, तो बताओ यहाँ क्या जाएगा टेन थीटा बराबर लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स, ठीक है ना। अब तो हल हो नहीं रहा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक, हो गए। अब लेंगे दूसरा बड़ा वाला, क्या नाम है ए बी डी, यहां लिख दो त्रिभुज ए बी डी से, देखो इसमें भी ये तो क्या है लंब और ये क्या है आधार, तो वही क्या आएगा टेन थीटा आएगा लंब बटा आधार, क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा, इसका तो थीटा है तो थीटा रहने दिया, उसका 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। अब देखो सूत्र है अभी लिखा हमने, ये रहा टेन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोट थीटा बराबर लंब कितना एच, आधार कितना कंप्लीट पूरा वाई, ठीक है ना। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर दो। अब क्या करेंगे समीकरण एक और दो को क्या करना है गुणा करना है, तो जैसे इधर किया सेम वही है, क्या लिखोगे इधर करो समीकरण नंबर एक व दो को क्या करने पर गुणा करने पर, आगे वाला आगे और पीछे वाला आगे क्या है टेन थीटा इंटू इसमें आगे क्या है कोट थीटा बराबर, अब इधर क्या है एच बटा एच, उधर क्या है एच बटा वाई। अभी बता इन दोनों का मान कितना होता है, एक होता है, या तो उल्टा करके चेंज कर लो, या तो उल्टा करके चेंज कर लो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो इनका मान कितना होता है एक। ये किया था अभी ये रहा ये यहाँ पे, ठीक है ना। टेन इंटू कोट का मतलब कितना होता है एक, लिख देना उधर सूत्र में, तो बराबर एच को एच से गुणा किया तो एच स्क्वायर, एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई बटा में कितना एक क्रॉस मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर को इससे किया तो एच स्क्वायर बराबर कितना एक्स वाई, स्क्वायर एट किया यहाँ क्या लग गया इति सिद्धम। वाले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आई और एक पेड़ टूट गया, देखो पहले तो पेड़ बिल्कुल सीधा था ऐसे, ये पेड़ है ठीक है ना, आंधी आई और आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूट के कहाँ गिरेगा जमीन पे गिरेगा, और जहां पर ये गिरता है वहां पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पेड़ था इतना लंबा, आंधी आई ये वाला भाग टूटकर इधर गिर गया, और जहां पर ये जमीन को छूता है वहां पर कितने डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का। आगे लिखा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के सिकर पेड़ का सिकर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर ये पेड़ का सिकर कहाँ है यहाँ है, भले यहाँ तो पेड़ का सिकर अब कहाँ आ गया यहाँ, जहाँ पर जमीन को छूता है वो दूरी दे रखी है 3 मीटर, ये दूरी 3 मीटर। आपको ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की टूटने से पहले कुल ऊंचाई क्या थी, या तो 90 डिग्री का कोण। अब एक बार और समझ लो, एक पेड़ है आंधी आई और पेड़ का भाग यहाँ से टूट गया, और टूट के जमीन पर इस प्रकार गिरा कि जहां पर ये जमीन को छूता है वहां इसका सिकर वहां पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर इसका सिकर जमीन को छूता है वो दूरी दे रखी है 3 मीटर। आपसे पूछा है कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी, अब बताओ बेटा पेड़ की ऊंचाई ये भी होगी और ये भी होगी, क्योंकि ये वाला भाग यहाँ है तो पेड़ की ऊंचाई ये भी होगी और ये भी, मतलब ये भी ज्ञात करनी पड़ेगी और ये भी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखो इसका नाम दिया मैंने यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, माना कि ये यहाँ से यहाँ तक एच है, और ये क्या मान लिया मैंने इसे मान लिया मैंने एक्स, तो देखो यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं पेड़ की कुल ऊंचाई,
कुल ऊंचाई बताओ क्या होगी, एच प्लस एच, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे फिर ये ज्ञात करेंगे, मतलब आपके जो तीन नंबर में सवाल आएगा ना हमेशा आपको दो बार करना पड़ेगा तीन नंबर में। अगर वो छोटा वाला है कि एक बार में हो जाए वो तो एक नंबर में आ सकता है, अगर दो बार करना पड़ेगा तीन नंबर का क्वेश्चन। तो देखो कैसे, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखोगे त्रिभुज ए बी सी से, देखो त्रिभुज ए बी सी से, देखो इसमें ये तो क्या है लंब, ये क्या है लंब और आधार किसमें आता है थीटा में, क्या लिखोगे टेन। अब देखो थीटा का मान कितना है साठ है तो साठ लिखो, बराबर क्या जाएगा लंब बटा आधार, टेन साठ का मान देखना होता है सारणी से कितना होता है ओनली अंडर रूट तीन, बराबर लंब कितना है एच, आधार कितना है तीन, बटे में एक लगा के क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, तो बताओ एच बराबर कितना आ गया तीन रूट तीन, इससे मान लेंगे समीकरण नंबर एक, क्योंकि अभी पेड़ का आधा भाग ही पता हुआ है। अब पेड़ ये भी पेड़ का हिस्सा है तो ये भी ज्ञात करना पड़ेगा, अब इसके साथ ये लेना है। अब क्या लिखोगे पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी से, अब मैंने पुनः क्यों लिखा क्योंकि वापस ये त्रिभुज ले रहे, अब ये तो क्या कहलाती है कर्ण, यह क्या कहलाता है आधार, तो बताओ कर्ण बटा आधार किसमें आता है कर्ण बटा आधार एल ए एल बटा के ए, तो देखो आधार बटा कर्ण को या कर्ण बटा आधार को बात एक ही होती है, तो आधार बटा कर्ण किसमें आता है कोस में, किसमें आता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, अगर कर्ण बटा आधार लिखो तो क्या लिखना पड़ेगा नीचे वाला सेक थीटा, तो बताओ थीटा का मान कितना है वही कितना है साठ है तो साठ लगेंगे, बताओ कोस साठ का मान एक बटा दो, बराबर आधार कितना तीन कर्ण कितना एक्स एक्स, इसको इससे और इसको इससे क्या तो एक्स तीन दुनी समीकरण नंबर दो, ठीक है ना। अब क्या करना है पेड़ की कुल ऊंचाई एच का मान और एक्स का मान क्या कर दो जोड़ दो, ठीक है ना, क्या लिखोगे पेड़ की कुल ऊंचाई, तो बताओ क्या हो जाएगी एच प्लस एक्स, बताओ एच तो कितना तीन अंडर रूट तीन प्लस एक्स कितना छह, देखो दो तरीके हैं, चाहे तो ये अंडर रूट तीन का मान लिख दो एक पॉइंट सात सौ बत्तीस, या एक काम कर सकते हो दोनों में कितना कॉमन आ रहा है तीन, तीन कॉमन आ गया तीन से तीन कट गया क्या बचा अंडर रूट तीन प्लस तीन दुनी छह, ये भी उत्तर राइट है। अगर आगे करना चाहो तीन तो है सही, इसका मान होता है एक पॉइंट सात सौ बत्तीस, पेपर में देगा आपको अंडर रूट तीन का मान ये, अगर नहीं दे तब भी आपको याद रखना है एक पॉइंट सात सौ प्लस कितना दो। अब देखो तीन तो है सही, यहाँ कोई चिन्ह है तो किसका चिन्ह इनटू इन दोनों को जोड़ो दो पॉइंट सात सौ बत्तीस गुणा कर दो तीन दुनी छह तीन तिया नौ सातिया इक्कीस हासिल का दो तीन दुनी छह और दो आठ भी आ जाएगी आठ पॉइंट एक सौ छिन्नु सेंटीमीटर। आगे समझ में, अब आगे देखो एक और आ गया ना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, क्या हुआ यार जोड़ना 3.732 होगा दो में जोड़े 3. तो कितना है तीन तीन ये तो वही है सेम 9 × 11.100 किया जाएगा जोड़ना सही है दो में एक जोड़ा तीन हो गया ना मैंने पहले दो ही जोड़ दिया। अब देखो नेक्स्ट है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक तो दे रखा है मीनार और एक दे रखा है भवन, तो भवन तो होता है छोटा और मीनार होती है बड़ी, ठीक है ना। देखो
सवाल में कहा है ये तो है भवन और इसके पास में क्या खड़ा है, मीनार खड़ी है। ये तो भवन है और ये मीनार है, तो आपको ध्यान रखना है भवन तो होता है छोटा और मीनार होती है ऊंची, कुतुब मीनार। आगे लिखा है एक मीनार के पाद से, मीनार का पाद कहाँ है, ये रहा। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कौन, ये जमीन हो गई, ठीक है ना। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 30 डिग्री। आगे लिखा है भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का पाद बिंदु है और यहाँ से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो ये कोण है 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 48 है, ये मीनार की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 48 मीटर, ये 48 मीटर दे रखी है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई कितनी है, h मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई करनी है हमें ज्ञात। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, इधर पहले एक तो भवन था ये छोटा वाला, एक मीनार थी ये बड़ी वाली। जब भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु, यहाँ से मीनार के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो कोण बनता है 30 डिग्री का। और साथ दिखाया कि मीनार की ऊंचाई 48 है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो नाम दो पहले, दो ए बी सी और डी, यहाँ भी कितने समकोण त्रिभुज बने, दो, एक तो बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये वाला। अब देखो इसमें आपको ये ज्ञात करनी है ऊंचाई, अब ये ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज काम आएगा, ए बी सी। अब देखो ए बी सी में केवल एक ही मान है, एक मान और होना चाहिए, ये वाला या ये वाला। अब ये वाला तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, कौन सा ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये किससे ज्ञात हो जाएगा, इससे, क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे और दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, एक ही है, एक ही आधार पर। तो ये वाला मान लो कि ये कितना है, माना कि ये एक्स है, ये लंबाई कितनी है एक्स। अब लो ये वाला त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, देखो ए बी सी में ए बी सी ये तो क्या है, ये तो क्या है और ये क्या है, लंब और आधार किसमें आता है, टेन थीटा में। तो क्या होगा टेन, अब बताओ इसमें थीटा का मान कितना है, 30 है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 60 में कितना होता है, 1/√3। लंब कितना h, आधार कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो गया x बराबर √3 h, समीकरण नंबर एक हो गए। अब लो ये दूसरा वाला, क्या नाम है, बी सी डी त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी से। अब इसमें भी देखो बी सी डी ये वाला ले रहे हैं, ये तो क्या है लंब, ये क्या है इसमें आता है टेन में, तो क्या हो जाएगा टेन। अब बताओ इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60, कितना है 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखो टेन 60 का मान केवल √3 बराबर लंब कितना 48, आधार कितना x, क्या करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें बटन में एक लगा दो, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करो √3x बराबर कितना 48, समीकरण नंबर एक। अब क्या करेंगे, ये x का मान यहाँ से उठा के वहां रख देंगे, इस x के मान को यहाँ से उठा के वहां रख दो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एच का मान एक्स का, अगर एच का रखना चाहो तो समीकरण नंबर दो, ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ लिखो एक्स का मान रखने पर, समीकरण नंबर दो ऐसे लिखो, √3 तो है सही, ठीक है, √3 तो है सही, एक्स की जगह कितना लिखेंगे √3x बराबर कितना 48, ठीक है। अब देखो आधा √3 आधा √3 गुणा करेंगे ना, क्योंकि पूरा 3 और h बराबर 48, मान किसका ज्ञात करना है, h गुणा है तो h बराबर 48 बटा
तीन भाग दो तीन का, सोलह तीन अड़तालीस, एच बराबर कितना गया 16 मीटर। तो मकान कितना ऊंचा है 16 मीटर ऊंचा है और मीनार कितनी ऊंची है 48। उतारो देखो ध्यान दो। नेक्स्ट, एक नदी के पुल के एक बिंदु से समूह किनारों के अवनमन कोण दे रखे। एक नदी है तो देखो ध्यान दो, पहले बना देते नदी, ये नदी ठीक है ना, पानी बह रहा है नदी में, ये पानी ठीक है ना। आप देखो ध्यान दो, अब क्या है, इसने कहा है कि नदी पर एक पुल बन रहा है। अब यू मान लो कि ऐसे पुल बन रहा है ठीक है ना, इस पुल के एक बिंदु से, मैंने वो बिंदु ले लिया यहाँ, ये बिंदु है ठीक है ना, इस बिंदु से इस नदी के किनारों को देखा जाता है। एक तो यहां से देखा जाता है इधर, और ये यहां से देखा जाता है इधर, और वहां से जब इनके किनारों को देखते हैं तो अवनमन कोण बनते हैं। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखने पर कहां बनेगा, यहाँ कितने डिग्री का, एक तो 30 का और एक बनता है 45 का, यहां बनता है 45 डिग्री का अवनमन कोण ठीक है ना। अब देखो आगे कहा है, यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जो पुल है ना ये किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई पर है 4, तो ऊंचाई होती है हमेशा 90 डिग्री के कोण पर, तो ये हो गई ऊंचाई, यहां 90 डिग्री कोण बना देंगे और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। आगे कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई। नदी देखो ये वाली कौन सी है नदी, यहां से लगा ऐसे बह रही है इधर ठीक है ना, इधर बह रही है, तो ये बन रहा है इस नदी पर पुल, इस पुल के एक बिंदु पर, यहां से इस नदी का ये किनारा है, ये दूसरा किनारा है ठीक है ना, और ये जो नदी की ऊंचाई है वो कितनी है 4 मीटर है, और अवनमन कोण दे रखा है। तो आपको पहले बताया हुआ है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होते हैं बराबर, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होते हैं बराबर। ये 45 है, ये भी कितना होगा 45 ठीक है, नदी की धारा इधर नहीं है, नदी की धारा इधर है, ऐसे बह रही है नदी, तब ये किनारा हो जाएगा और ये दूसरा किनारा हो जाएगा। ये चौड़ाई याद करने में ये टोटल, तो देखो कितने त्रिभुज बन गए, दो, एक तो क्या ए बी सी डी, एक तो ज्ञात करनी है ये पूरी कंप्लीट, यहां से लगाकर यहां तक ये नदी की चौड़ाई है, तो माना कि ये क्या है एक्स, और माना कि ये क्या है वाई, कोई भी मान लो, तो हमें टोटल क्या करनी है ज्ञात, एक्स प्लस वाई ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई। तो वही दो त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो पहले क्वेश्चन ले लो, त्रिभुज ए बी सी से बताओ, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है, क्या क्या है, ए बी सी ये तो क्या है लंब, ये क्या है लंब और आधार किसमें आता है टेन थीटा में, क्या लिखेंगे टेन, अब देखो थीटा का मान कितना 30 बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर लंब कितना 4 बटा आधार कितना x क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे x कितना आ जाएगा 4√3 समीकरण नंबर 1। अब लेना है ये वाला दूसरा ए सी डी, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से, देखो इसमें भी ये तो क्या है आधार और ये क्या है लंब और आधार किसमें आता है टेन में, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ना दोनों त्रिभुजों की एक ही ऊंचाई है ठीक है ना, तो जैसे एक वो पहाड़ वाला सवार बनता है ना पहाड़, तो एक व्यक्ति है जो पहाड़ पर बैठा है, पहाड़ से इधर की तरफ देखता है तो इतने कोण, इधर की तरफ देखता है इतने कोण, सेम सवाल है उस टाइप का, तो पहाड़ वाला ये एक ही है। तो एसीडी ये वाला इसमें भी क्या प्रयोग लेंगे टेन, अब थीटा मान कितना 45 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन 45 का मान 1 बराबर लंब कितना 4 ही है, आधार कितना वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें याद करने नदी की चौड़ाई, तो ये भी ये और ये भी है, तो दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे,
क्या लिखोगे? अतः नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। एक्स कितना? चार अंडरूड तीन प्लस वाई कितना? चार। दोनों में क्या कॉमन है? चार कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? अंडरूड तीन प्लस चार एकम चार। चाहे तो अंडरूड तीन का मान लिखो, यहां भी चार तो है ऐसे ही, और इनटू देखो या ऐसे पोस्टर में ले लो, अंडरूड तीन का मान कितना होता है? 1.732 प्लस एक, चार तो है ऐसे ही, जोड़ो कितना हो गया? इनटू 2.732 गुणा करो, चार दुनी आठ, चार थी बारह, सात सात चौक अट्ठाईस और एक 29 पॉइंट, आठ दुनी चार दुनी आठ, आठ और दो 10 10.928 मीटर। तो ये आ जाएगी नदी की चौड़ाई। आगे समझे? अब नदी उधर बह रही है, मैंने पहले बताया ऐसे नहीं बह रही है नदी, है ना, ये पुल बना हुआ है इसके, यहाँ पुल पर कोई बिंदु है, यहाँ से कोई व्यक्ति इधर किस किनारे को देखता है? तो अवनमन कोण 30 का। यहाँ से किस किनारे को देखता है? अवनमन कोण 45 का। पहले बताया है अवनमन कोण काम में नहीं आते हैं, केवल उन्नयन कोण आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब देखो नेक्स्ट अगला सवाल। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचा भवन है, पहले तो भवन बनाओ, कैसा बनेगा? सीधा। देखो इधर ये 10 मीटर ऊंचा भवन बना दिया मैंने, 10 मीटर ऊंचे भवन ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर के शिखर से, किसका शिखर कहाँ है? ये रहा शिखर से, शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से किसको देखा जा रहा है? एक टावर के शिखर को देखा जा रहा है, और उन्नयन कोण है मतलब टावर भवन से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ बनाओ टावर, ये एक टावर है, अब ठीक है, अब यहाँ से ये है ना, इस मकान की छत पे से इस जियो के टावर को देखा जाता है, ठीक है ना। तो देखने पर यहाँ जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। कितना कोण बनता है? 60 डिग्री का। आगे लिखा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और यहीं से छत से इस टावर के पाद बिंदु को भी देखा जा रहा है, और इसका जो अवनमन कोण है वो दे रखा है 45 डिग्री। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये होगी आधार मतलब जमीन, इसको मिला देते हैं, और ये होगी कंप्लीट टावर की ऊंचाई। तो देखो एक बार और क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, भवन की छत पर आप बैठे हुए हो, यहाँ से इस टावर के शिखर को देखने पर 60 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ से इस टावर के पाद बिंदु को देखने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। हमें ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई कितनी है। अब देखो ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10, क्योंकि देखो बिल्कुल सीधे आ रहे, तो ये हो जाएगी 10, क्योंकि ये या तो बनता है वर्ग या बनता है आयत, और उसके आमने सामने भुजाएं कैसे होती है? बराबर। अब देखो टावर का यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया अपने को कि टावर कितना ऊंचा है? 10। अब बची यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये करनी है हमें क्या? माना कि वो एच है, नाम दे दो ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ई। अब ये ज्ञात करनी है ना एच, ये तो आएगी यहाँ से यहाँ तक 10। बताओ ये कौन से त्रिभुज में आ रही है? ये कौन से त्रिभुज में आ रही है? ए डी ई में, इसमें आ रही है। अब इसमें ये ज्ञात करनी है तो इसके अलावा एक भुजा और होनी चाहिए, है क्या इसमें? नहीं है, पहले एक भुजा निकालेंगे। कहा देखो ये माना कि ये कितनी है? x, जितनी ये है उतनी ही ये वाली है, आमने सामने भुजा है। देखो ये कोण कितने का है? 45 का। बताओ ये वाला कोण भी कितने का होगा? 45 का। क्यों? एकांतर कोण कहो या उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहो, बात एक ही है, तो ये 45 का। अब लो पहले ये वाला त्रिभुज, नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी से, पता इसमें ये तो क्या है और ये क्या है? किसमें आता है? टेन। थीटा का मान कितना है? बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन 45 का मान एक, लंब कितना? 10, आधार कितना? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 10। और 10 तो आना ही था, क्यों आना था? यहाँ 45 डिग्री कोण है ना, तो ये 10 है, ये भी कितनी होगी? 10।
क्योंकि यहाँ से 90 का होता ही है, ठीक है ना। 90 तो ये दोनों कितने कितने के 45-45 के, तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो भुजाएं भी क्या होती है बराबर, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या निकाल लो आप। तो अब ये 10 है तो ये भी कितनी है 10, अब हो जाएगा वो ले लो कौन सा ए डी ई, क्या लिखोगे त्रिभुज ए डी ई से, ये तो क्या है लंब, ये क्या है किसमें आता है वही में टेन थीटा, थीटा मान कितना 60 बराबर क्या होता है लंब बटा आधा, टेन 60 का मान अंडर रूट 3, लंब कितना है एच, लंब ये रहा कितना है एच, आधार कितना है एच, अभी तो एच ही है ठीक है ना दोस्तों, बाद में रख दे। अब माना बटे में एक है, इसको इससे और इसको इससे, तो बताओ कितना आ जाएगा एच बराबर अंडर रूट 3 एक्स, यहां से एक्स का मान वहां रखना है, क्या लिखोगे एक्स का मान रखने पर, अब देखो एच तो है सही अंडर रूट 3 है सही इनटू एक्स का मान कितना 10, अब एच तो है सही अंडर रूट 3 का मान कितना होता है एक, किताब में हुआ प्रश्न में आएगा आपके लिखा हुआ पोस्टल में किसका मान कितना रखना है ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है ना तो मत ऐसे छोड़ देना, तो 1.732 इंटू कितना 10 गुणा करेंगे तो ये 1 यहाँ चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर, क्या है मीटर है तो मीटर आगे नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है बताओ, हमें ज्ञात करनी है टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, अब देखो टावर में ये तो 10 है और ये कितनी आ गई 17.32 आ गए ना, तो बताओ क्या होगी 10 + 17.32 तो कितनी हो गई 27.32 मीटर, तो टावर कितना ऊंचा है 27.32 मीटर ऊंचा है।